नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज अभ्यर्थियों का कुछ ग्रुप जो है बीपीएससी ऑफिस पहुंचा था और अतुल सर से उसका बातचीत हुआ। तो बातचीत में ये बात निकला कि जो सबसे पहले रिजल्ट है ये 11th 12th का निकलेगा, उसके बाद 9th 10th का और उसके बाद 1 to 5 का। तो जो 11th 12th है उन लोगों का रिजल्ट जो है सेप्टेम्बर के लास्ट तक निकलने का संभावना है। उसके अलावा जो सोशल साइंस है उसमें जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है उसको भी बारीकी से चेक किया जा रहा है। और जो स्टेट 19 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यानी कि एग्ज़ाम से पहले तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए था। जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस का बात करें तो उसमें बीटेक डिग्री जो है स्टेट 19 से पहले तक जो है कंप्लीट होना था। या आपका मान लीजिए कि एमसीए है तो एमसीए भी स्टेट 19 से पहले कंप्लीट होना चाहिए था। तो ये सब बातों को लेकर के जो है अभ्यर्थियों का अतुल सर से बात हुआ और उन्होंने कहा है कि जिनका भी ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा उसका हम लोग रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। और एक और प्रॉब्लम है कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे तो उसमें जब कंप्रेस कर रहे थे तो डिजिटल सिग्नेचर गायब हो जा रहा था, तो उनके बारे में भी बात हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये सब माइनर प्रॉब्लम है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो OMR के बारे में बात किया जा रहा था तो OMR ने बोला कि जो माइनर प्रॉब्लम है हम लोग उसी को ठीक करें, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उस OMR को हम लोग चेक नहीं करेंगे, उसको हम लोग जो है हटा देंगे। तो ये सब बातें जो है अभ्यर्थियों के साथ अतुल सर का हुआ है। तो आशा करते हैं कि सितंबर के लास्ट तक 11th 12th का रिजल्ट आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।